नमस्कार। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डॉबी। डॉबी टैपेट की क्षमता से अधिक बड़ी संख्या में हील्ड का उपयोग करके फिगर पैटर्न का निर्माण करने के लिए डॉबी का उपयोग किया जाता है। करघा के ऊपर रखा गया एक शेडिंग डिवाइस है। डॉबी वह तंत्र है जो करघे के साथ रहता है, जिससे हील्ड शाफ्ट का मूवमेंट नियंत्रित होता है। ये हैंडलूम डॉबी का एक चित्र आपको दिखाया गया है। कंपटीशन ऑफ डॉबी शेडिंग मैकेनिज्म। डॉबी शेडिंग मैकेनिज्म की क्षमता। डॉबी की क्षमता एक टैपेट और एक जैकार्ड के बीच सीमित है। इन मामलों में हील को जैक और लीवर द्वारा संचालित किया जाता है, जो टैपेट शेडिंग तंत्र की तुलना में कम जगह घेरते हैं। डॉबी शेडिंग मैकेनिज्म उन बुनाई की डिजाइनों के लिए एक अच्छी गुंजाइश देता है जिसमें बड़ी संख्या में एंड्स और पिक्स होते हैं। जब भी कोई नया डिज़ाइन बुना जाना आवश्यक हो तो पैटर्न को बदलना बहुत आसान होता है, और यह अतिरिक्त ताना धागे यानी एक्स्ट्रा वार्प थ्रेड्स को नियंत्रित करने के लिए भी उपयोगी है। जब एक पैटर्न टैपेट की सीमा से परे होता है, यानी पैटर्न जो कि टैपेट के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, या व्यू में पैटर्न को दोहराने यानी रिपीट के लिए या शाफ्ट की समान संख्या में होता है और एक ही समान व्यू पर होता है जो कि जैकार्ड द्वारा आर्थिक रूप से निर्मित होने के लिए बहुत छोटा है, तब एक मशीन कार्यरत होती है जिसे एक डॉबी के रूप में जाना जाता है। इसमें शाफ्ट की संख्या 9 से 40 के बीच होती है। डॉबी में हील शाफ्ट की संख्या नीचे दी गई है। डॉबी सैद्धांतिक रूप से 48, व्यवहारिक ऊन के लिए 36 और व्यवहारिक कपास यानी कॉटन के लिए अधिकतम 24। कम से कम 12 हील शाफ्ट का उपयोग किया जाता है। इस मामले में सभी हील्स जैक और लीवर द्वारा संचालित होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डॉबी। डॉबी का वर्गीकरण लिफ्ट के अनुसार, एकल लिफ्ट, डबल लिफ्ट। क्षमता के अनुसार, हील शाफ्ट की संख्या के अनुसार 48, 36, 24, 20, 16 एंड 12। हील शाफ्ट की स्थिति के अनुसार वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हील शाफ्ट की ड्राइविंग के अनुसार पॉजिटिव एंड नेगेटिव। शेड के अनुसार बॉटम क्लोज सेट, सेंटर क्लोज सेट, सेमी ओपन सेट, ओपन सेट। जैक लीवर की संख्या के अनुसार सिंगल जैक लीवर और डबल जैक लीवर। मोटे तौर पर डॉबी सेटिंग को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। साधारण डॉबी यानी ऑर्डिनरी डॉबी, सिंगल जैक लीवर, सिंगल लिफ्ट डॉबी, स्पेशल डॉबी यानी डबल जैक लीवर और 48 डॉबी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डॉबी। पॉजिटिव डॉबी एक अतिरिक्त रिवर्सिबल गति के उपयोग के बिना व्हील फ्रेम को ऊपर उठाने और गिराने वाले डॉबी को पॉजिटिव डॉबी कहा जाता है। फैंसी ऊनी और वर्स्टेड कपड़ों जैसे भारी कपड़ों की बुनाई के लिए एक सकारात्मक डॉबी का उपयोग करना बेहतर होता है। नेगेटिव। इस तरह के डॉबी से केवल शाफ्ट उठता है, गिराने की गति को स्प्रिंग द्वारा संपन्न किया जाता है। हल्के से मध्यम वजन के कपड़ों के लिए नकारात्मक डॉबियों का उपयोग किया जाता है। पॉजिटिव डॉबी और नेगेटिव डॉबी में क्या अंतर है? देखिए, डॉबी पॉजिटिव डॉबी हील शाफ्ट को उठा और गिरा सकता है। नेगेटिव डॉबी ये भारी शाफ्ट को ऊपर उठा सकता है और अन्य तंत्र द्वारा गिराया जाता है। पॉजिटिव डॉबी अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव डॉबी में अतिरिक्त व्यवस्था यानी डेड वेट और स्प्रिंग की आवश्यकता होती है। पॉजिटिव डॉबी आमतौर पर खुले शेड का निर्माण किया जाता है। नेगेटिव डॉबी में क्लोज्ड और सेमी ओपन साइड का निर्माण किया जाता है। पॉजिटिव डॉबी में स्पीड कम होती है और नेगेटिव डॉबी में स्पीड हाई होती है। पॉजिटिव डॉबी में ताना पर तनाव कम होता है, जबकि नेगेटिव डॉबी में तनाव पर तनाव अधिक होता है। पॉजिटिव डॉबी से वर्स्टेड कपड़े जैसे भारी कपड़े का उत्पादन किया जाता है, जबकि नेगेटिव डॉबी में हल्के कपड़े जैसे कॉटन का उत्पादन किया जाता है। वर्किंग ऑफ डॉबी एंड पैकिंग। डॉबी की कार्यप्रणाली और पैकिंग। लैटिस डॉबी, जालीदार डॉबी। इस सेटिंग डिवाइस का प्राथमिक भाग जाली है, इसलिए इसे जाली डॉबी या लैटिस डॉबी का नाम दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से एक नालीदार रोलर, लीवर की संख्या और जाली की एक श्रृंखला होती है। लीवर की संख्या हेडल्स की संख्या तय करती है। अलग अलग इंटरलेसिंग छोरों को इससे नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण, एक 24 लीवर डॉबी का मतलब है कि यह 24 हील्स और छोर तक को नियंत्रित कर सकता है।
प्रति रिपीट पर रिपीट पिक्स की संख्या की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि यह श्रृंखला में उपयोग किए जाने वाली जाली की संख्या पर आधारित है, जिसे आवश्यकता के आधार पर संलग्न किया जा सकता है। आमतौर पर अतिरिक्त ताना डिवाइस डिजाइन के लिए जालीदार डॉबी का उपयोग किया जाता है। स्कीमेटिक लाइन डायग्राम ऑफ लेटिस डॉबी, इसमें ए कनेक्टिंग रॉड टू लेफ्ट ट्रेडल, कनेक्टिंग रॉड टू राइट ट्रेडल, बी सी साइड फ्रेम ऑफ डॉबी, डी फर्म रिवेट, ई हॉरिजॉन्टल लीवर, एफ वर्टिकल रॉड, जी पुशिंग एंड रिटेनिंग पॉल, एच रेचेट व्हील और आई लेटिस। वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य करने का सिद्धांत। बुनाई करते समय बुनकर दायां ट्रेडल दबाता है, इसके परिणाम स्वरूप क्षैतिज लीवर ई का दाहिना भाग नीचे चला जाता है। इन मूवमेंट ने मशीन के दाईं ओर ऊर्ध्वाधर रॉड एफ को झुकाया। दाईं ओर ऊर्ध्वाधर छड़ को झुकाने से पॉल को बाहर निकलने में मदद मिलती है। जैसा कि पॉल जी ग्रूव्ड रोलर में तय किए गए रेचेट के दांतों में लगा हुआ है, एक बार रोलर के शीर्ष पर लीवर का सामना करने वाले खांचे में एक नई जाली लाते हुए खिसका हुआ रोलर मुड़ जाता है। जाली में पैग 0.5 या आधा इंच तक के स्तर को धक्का देती है, जैसा कि लीवर पीछे के छोर पर स्थित है। आधा इंच के लिए लीवर को उठाने से लीवर का दूसरा छोर 2 से 3 इंच तक बढ़ जाता है। हार्नेस कॉर्ड लीवर के बाहरी छोर से संबंधित ताना धागे से बंधे होते हैं। लीवर की लिफ्ट इससे जुड़े ताना धागे को उठाती है, जिससे सेट बनता है। साड़ी बॉर्डर, धोती बॉर्डर और अन्य हल्के वजन के बनावट में जालीदार डिजाइन बुनाई के लिए उपयुक्त है। जालीदार डॉबी की अधिकतम क्षमता 48 लीवर है। यह मशीन सभी हल्के वजन के कपड़े के निर्माण के लिए उपयुक्त है। डी बैरल डॉबी, डिवाइस का प्राथमिक हिस्सा एक लकड़ी का बैरल है, इसलिए इसे ऐसा नाम दिया गया है। बैरल का आकार तय कर सकता है कि कितनी संख्या में पिक्स इसे नियंत्रित कर सकते हैं। बैरल का व्यास 3 इंच से 10.5 इंच तक भिन्न होता है। एक 3 इंच व्यास का बैरल 16 पिक्स के साथ एक डिजाइन की बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिक पिक्स वाले डिजाइनों के लिए बड़े बैरल के साथ बैरल डॉबी का उपयोग किया जाता है। डॉबी में मौजूद लीवर की संख्या हील्स की संख्या तय करती है, जिसे वह नियंत्रित कर सकता है, और यह 24 लीवर से 48 लीवर तक होती है। बैरल डॉबी हर 2 पिक्स के लिए काम करता है, इसलिए सिरों और पिक्सों की संख्या पहले से तय की जाती है और डॉबी के निर्माण के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। बैरल डॉबी का स्कीमेटिक डायग्राम, ये 1 नंबर बैरल, 2 नंबर लैटिस, 3 नंबर लीवर, 4 हार्नेस, 5 कॉपर बोर्ड, 6 हार्नेस आई, 7 लिंगो और 8 वार पैंट। बैरल का जो डिजाइन है, मेन पार्ट जो बैरल है उसका डिजाइन यहाँ दिखाया है। ए बैरल, बी नेल्स ऑन द बैरल, सी पुलिंग पॉल, डी हॉरिजॉन्टल लीवर, ई वर्टिकल लीवर, एफ एंड जी रिटेनिंग पॉल, एच कनेक्टिंग पिन टू ट्रेडल, आई बेस फ्रेम, जे रिविटिंग पॉइंट टू ई, एल एम के रिविटिंग पॉइंट फॉर जी एफ एंड सी। वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य करने का, बैरल की सतह डिजाइन के अनुसार खूंटे के साथ तय की गई है। लीवर ट्रेडल का संचालन करता है और जिससे जुड़ने वाली सूतली ट्विन नीचे चली जाती है। इस गति के साथ क्षैतिज लीवर डी नीचे चला जाता है और ऊर्ध्वाधर लीवर ई के ऊपरी भाग के दाईं ओर दोलन करता है। इन गतियों के परिणाम के साथ ड्रम के बाहरी पक्ष में तय की गई कील में लगे पुलिंग पंजे भी बाईं ओर चले जाते हैं। पुलिंग पॉल जो है वो बाईं ओर चले जाते हैं। अब बैरल एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, जो खूंटे यानी पैग का नया सेट एक पंक्ति में होगा। उस वक्त खूंटे का नया सेट एक पंक्ति में होगा, जैसा कि डिजाइन के अनुसार लीवर को नीचे धकेलता है, और जिसके परिणाम स्वरूप उपयुक्त हील्स लिफ्ट होते हैं। शेड नए पिक इंसर्शन के लिए खुल जाता है। स्थिति बनाए रखने वाले पंजे एफ और जी बैरल को पलटने से रोकता है। एक डॉबी पर काम करने वाले के लिए पैगिंग को जानना सबसे महत्वपूर्ण काम है। हर एक अलग डिजाइन के लिए एक अलग पैगिंग होती है। पैगिंग की विधि एक उदाहरण के साथ नीचे दी गई है। सिस्टम ऑफ पैगिंग एंड वर्किंग, पैगिंग को और काम करने की प्रणाली है। एडल शाफ्ट नियंत्रण के लिए डॉबी, उसके लिए पॉइंट पेपर में डिजाइन बनाएं, ड्राफ्ट योजना बनाएं,
पैक प्लान, ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग पैक प्लान तैयार करें। ड्राफ्ट लीवर के साथ हेडर को तैयार किए गए ड्राफ्ट ऑर्डर के अनुसार कनेक्ट करें। अतिरिक्त ताना, अतिरिक्त कपड़ा या बूटा डिजाइन के लिए डॉगी। इस मामले में ग्राउंड की बुनाई डिजाइन को नियमित सेटिंग तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अतिरिक्त ताना या डिजाइनिंग वाले धागे को डॉबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पॉइंट पेपर में डिजाइन बनाइए, ड्राफ्ट योजना तैयार कीजिए, पैक प्लान तैयार करें, डॉबी लीवर के साथ हार्नेस बांधे ताकि फिगरिंग थ्रेड्स को नियंत्रित किया जा सके। तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार धागे लगाने के लिए प्रक्रिया में ड्राइंग इन करें। लैटिस प्रिपरेशन, जाली तैयारी। कुटी योजना में नियत संख्या में जाली की संख्या लें। पहले पिक को पढ़ें और एंड अप और हैडल अप के लिए जाली के संबंधित छेद में पैक को फिट करें। सभी पिक्स के पूरा होने तक प्रत्येक पिक के लिए प्रक्रिया को दोहराएं। अब पैक लैटिस को जोड़ें ताकि एक गोलाकार सीरीज श्रृंखला बनाई जा सके। इस जाली श्रृंखला यानी लेटिस चेन को डॉबी पर चढ़ाएं। प्रारूपण ड्राफ्ट प्लान निम्नलिखित आकृति में दी गई है। यहाँ पर थ्री अप थ्री डाउन वन अप वन डाउन 12 व्यू बनाया गया है, जिसके लिए ड्राफ्ट स्ट्रेट ड्राफ्ट है। इसको लेटिस पर कैसे बनाया जाएगा उसका आगे हम देखते हैं उदाहरण। पैकिंग और काम करने की प्रणाली। ट्विल बुनाई थ्री अप थ्री डाउन वन अप वन डाउन को 8 छोरों पर दोहराती है और यहाँ पैगिंग योजना के प्रदर्शन के लिए 8 पिक्स को माना गया है। पैगिंग की प्रणाली को निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है। 8 हील्स और सीधे ड्राफ्ट का उपयोग करके, स्ट्रेट ड्राफ्ट का उपयोग करके इस डिजाइन का उत्पादन किया जा सकता है। हील्ड मूवमेंट के लिए चयन लकड़ी के खूंटे यानी पैग्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे लकड़ी पर बने गोलाकार छेद के भीतर पैग डाला जा सकता है। यहाँ पर जो वीव दिया गया है, इस वीव के अकॉर्डिंग ये लेटिस हमने यहाँ बनाया है। उस लेटिस में देखिए ऊपर से लेके नीचे तक एक लेटिस पर 2 पिक्स के लिए हमने अरेंज किया है और हर एक पिक के लिए ये थ्रेड्स जो है 8 थ्रेड्स पे बनाया गया है। तो एक पैग पर 16 होल हैं। इस तरह ये हमारे चार जो लेटिस हैं, चार लेटिस के ऊपर 16-16 होल्स हमने दिए हैं। वर्टिकली 8 लाइन है जो कि हर एक पिक को दर्शाती है। अब यहाँ पर हम ऊपर से पहला जो लेटिस है वहाँ से शुरू करते हैं। डार्क कलर के होल्स जो है यहाँ पर हमने पैग इंसर्ट किया है, जो कि हमारे पहले वार्प के अप को दिखाता है। अब पहले वार्प के दूसरे पिक के ऊपर जो अप है उस पर ये सेकंड जो होल है लेटिस में, यानी कि पेयर में जो होल हैं वो एक वार प्यान को दर्शाते हैं। तो पहला अप, दूसरा अप और तीसरा अप, ये तीन जो हैं वो डार्क कर दिए गए हैं, यहाँ पर पैग लगे हुए हैं। बाकी तीन डाउन वाले जो होल हैं वो खाली हैं। फिर सातवां जो होल है उसमें हमने डार्क किया है, वहाँ पैग डाला है। तो ये वन अप और फिर ये वन डाउन, इस तरह ये हमारा पहले थ्रेड का पैटर्न इसमें फिट हो गया। इसी तरह हम हर एक थ्रेड को इसमें इंसर्ट करते चले जाएंगे और ये हमारी कंप्लीट लेटिस तैयार हो जाएगी। लकड़ी के पैक को एक जाली में जोड़ा जाता है जो पैटर्न व्हील या बैरल पर लगा होता है। पैटर्न बैरल को 2 पिक्स में एक बार एक निश्चित डिग्री से घुमाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि बैरल हेक्सागोनल है तो उसे हर 2 पिक्स के बाद 60 डिग्री से घुमाना चाहिए। छेद के भीतर एक खूंटी की उपस्थिति के परिणामतः हील्ड को उठाया जाता है और इसके विपरीत की स्थिति भी होती है। जब हील्ड नहीं होता, पैग नहीं होता तो हील्ड उठता नहीं। एक ही जाली के अनुरूप 2 छिद्रों की स्थिति एक ही रेखा पर नहीं होती है। छिद्रों की पार्श्व शिफ्टिंग की जाती है ताकि 2 सटे हुए फिलर्स को समायोजित किया जा सके। ये डॉबी वीव के कुछ उदाहरण हैं जो कि यहाँ दिए गए हैं ड्राफ्ट पैग प्लान के साथ, जिनको डॉबी पर बनाया जा सकता है। ज्योमेट्रिकल शेप्स अधिकतर डॉबी के ऊपर बनाई जा सकती है। ये सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनको हम डॉबी सेटिंग के द्वारा बना सकते हैं।
आज के इस लेक्चर में आपने एडोबी और उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स, कार्यप्रणाली के बारे में और किस तरह के डिजाइंस और कैसे लिफ्टिंग होती है, उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशंस के बारे में आपने अच्छे से जाना, और जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।